हेलो, मेरा नाम मोहम्मद उसामुद्दीन है। मैं बॉक्सिंग प्लेयर हूं और मैं 57 फेदर वेट कैटेगरी में खेलता हूं। बचपन में मतलब बहुत ही नॉटी था मैं। इस फादर ने मुझे जिमनास्टिक में डालने का सोचा था। मैंने कुछ टाइम के लिए जिमनास्टिक किया, मगर फिर वहां पर कोच का ट्रांसफ़र होने की वजह से फिर मैं बॉक्सिंग में आया बाद में। जब हम भाई लोग जो बॉक्सिंग करते थे, घर पर कुछ बहस हो जाती थी तो हम घर पर नहीं लड़ते थे, बॉक्सिंग में दिखा लेते थे एक दूसरे को। IBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में मेरे लिए खुशी था बहुत। फर्स्ट टाइम खेल रहा था वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो उसमें मेडल आना मेरे लिए बहुत खुशी था और मैं एक्साइटमेंट में था कि मगर बाद में मुझे जब मैं इंडिया आया तो मुझे पता चला कि मेरा ACL टूट गया है, तो तब से थोड़ा नर्वस हो गया था मैं। सर्जरी से पहले तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि अरे यार अभी इसी गेम भी चला जाएगा अगर मैं सर्जरी कराऊँगा तो। मैं जब IAS में आया, इतना रिहैब और जिम वगैरह और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिहैब, क्योंकि मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिल देते थे ये लोग, हमेशा मतलब हमेशा बिजी रखते थे मुझे। जब मेरा सर्जरी के बाद मैं जब फर्स्ट टाइम रिंग पे आया जब पैड करने के लिए, मैं बहुत मतलब एक्साइटमेंट था कि हाँ मैं करूँगा। तो उसके बाद जॉन ने मुझे समझाया कि ट्रेनिंग किस तरह करनी चाहिए और मतलब टेक्निकल पे कितने कौन से फेस में कितना ट्रेनिंग करना चाहिए। मेरे लिए IAS बहुत बेस्ट रहा है। जॉन क्या है, पॉजिटिव है बहुत, हमेशा मोटिवेट करते रहता है प्लेयर को और टेक्निक में भी बहुत अच्छे बताता है कि कैसे करना है, क्या गलती हो रही है। जैसे इंजरी के बाद अभी रिकवर हुआ हूँ तो मेरा पहला और कॉम्पिटिशन मेजर कॉम्पिटिशन ही है, जैसे ओलंपिक क्वालिफायर्स है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ और काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ अभी, और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी अच्छा करूँगा और क्वालिफाई होऊँगा।